Good morning, student. We have studied function in earlier classes, online classes. तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं. ठीक है, ये हो सकता है कि हम लोग वहाँ समझ में उतना नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग आज बोर्ड वर्क करेंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सपोज एक फंक्शन है. ठीक है, फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोग फिर से उसको रिकैप्चुलेट थोड़ा सा कर लेते हैं और मेनली आज देखेंगे कि हाउ द पैरामीटर आर पासेस फ्रॉम द एक्चुअल पैरामीटर टू द फॉर्मल पैरामीटर. और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर एंड व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं. तो फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफ, इसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ द फंक्शन. डेफ इज अ कीवर्ड, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द फंक्शन नेम और नेम ऑफ द फंक्शन. सपोज द फंक्शन नेम इज ऐड, ऐड इज द फंक्शन नेम एंड इट टेक्स टू पैरामीटर x, y, x एंड y. यहां पर हम लोग एक कोलोन देंगे, इसका मतलब हो गया कि नाउ द बॉडी ऑफ द फंक्शन विल स्टार्ट. बॉडी ऑफ द फंक्शन जो है यहां से स्टार्ट होगा. हम लोग यहां पर इंडेंट करेंगे, यहां लिखेंगे c इज इक्वल टू x प्लस y और यहां लिखेंगे रिटर्न c, रिटर्न c और रिटर्न विद इन ब्रैकेट c, दोनों में से कुछ भी लिख सकते. सो दिस इज अ फंक्शन. यहां पर हम लोग देखेंगे def इज अ कीवर्ड, दिस इज नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट टेक्स टू पैरामीटर x एंड y. ये x और y क्या कर रहा है, ये ऐड हो रहा है और ये वैल्यू यहां पर स्टोर हो रहा है और वो स्टोर्ड वैल्यू को हम लोग x रिटर्न c, मतलब जो भी वैल्यू है उसको हम लोग रिटर्न करेंगे. किसको रिटर्न करेंगे, जो फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको हम लोग रिटर्न करेंगे. ठीक है, अब हम लोग यहां पर जैसा तुम लोग बुक में देखते हो मेन फंक्शन को डिजाइन करेंगे. मेन फंक्शन पाइथन में लिखा नहीं जाता है, बाय डिफॉल्ट इट इज इनिशिएटेड. तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन. सपोज वी नो दैट इज अ फंक्शन कॉल्ड ऐड, इट टेक्स टू पैरामीटर. तो हाउ टू यूज दिस फंक्शन, वी हैव टू सप्लाई टू पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई टू द फंक्शन ऐड, देन इट विल कैलकुलेट द टू पैरामीटर्स. कैलकुलेट मीन्स इट विल एड द टू वैल्यूज एंड रिटर्न द वैल्यू टू द कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, तो हम लोग यहां पर फंक्शन लिखेंगे. फंक्शन के लिए हम लोग यहां पर दो वैल्यू लेंगे. सपोज यहां पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू इनपुट और यहां पर हम लोग इंट ले लेते हैं, इंट इनपुट यहां पर हम लोग लिखेंगे एंटर ए वैल्यू एंटर द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, एक इनपुट हम लोगों ने ए में ले लिया, दूसरा बी में, इसमें भी लिख लिए हैं एन इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी, दो वैल्यू आ गया. नाउ वी हैव टू कॉल द फंक्शन ऐड. हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे रिजल्ट
result is a identifier that holds the value which is returned by the function. So we are calling the function. Result is equal to add a comma b. ठीक है, तो we are using add means we are calling the function add and with two values a and b. ठीक है, उसका जो भी रिटर्न होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा और यहां पर हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रिंट रिजल्ट. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड दिस इज द यू कॉल्ड एज main function. This is called main function. ठीक है, अब इसका execution कैसे होता है यह भी हम लोग देख लेते हैं. Function itself does not execute. Function अपने से execute नहीं कर सकता है. ठीक है, तो यह कहां से execute करेगा? It will start from the main function. यहां से start करेगा, यह इसको skip करेगा, definition जैसे ही दिखेगा compiler और इन कॉम्बिनेशन विद द इंटरप्रेटर इट विल स्किप द वैल्यू व्हेन इट एनकाउंटर डेफ. डेफ मींस डिफाइनिंग अ फंक्शन. तो इसको वो स्किप कर जाएगा, ये पूरे बॉडी को मेन फंक्शन में आएगा. इट टेक्स अ वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड इन ए, टेक्स अनदर वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड इन बी. वी आर सपोज टू यूज दिस फंक्शन. दिस फंक्शन रिक्वायर्स टू वैल्यू, सो वी नीड टू वैल्यूज टू कॉल दैट फंक्शन. Add function. तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे? Add a comma b. That means a इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल. तो add हम लोगों ने लिखा है a comma b. मतलब यहाँ पर अगर यूजर यहाँ पर 10 दिया है और यहाँ पर b का वैल्यू मान लो 5 दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर a का वैल्यू 10 एंड b का वैल्यू 5. तो द वैल्यू ऑफ ए इज मैप्ड इनटू एक्स. ए का वैल्यू एक्स में चला जाएगा, मतलब ये ए का वैल्यू हो जाएगा और बी का वैल्यू मैप हो जाएगा वाई. तो ए का वैल्यू कितना हो गया 10 और बी का वैल्यू कितना हो गया 5. सो जैसे यहां पर आएगा, जैसे इंटरप्रेटर यहां पर आएगा, वो एड को एग्जीक्यूट करेगा विद द गिवन वैल्यू. सो द वैल्यू ऑफ ए इज स्टोर्ड इन एक्स, वैल्यू ऑफ बी इज स्टोर्ड इन वाई. सो इस तरह से ए का वैल्यू एक्स में मैप हो जाएगा, वाई का वैल्यू बी का वैल्यू वाई में मैप हो जाएगा. तो एक्स ए का वैल्यू कितना था 10. इसका मतलब ए का और एक्स का वैल्यू 10 हो गया, बी का वाई का वैल्यू 5 हो गया एज इट इज गिवन. इसके बाद x प्लस वाई, मतलब ये 10 प्लस 5 करेगा. तो 10 प्लस 5 करेगा ये 15 आएगा, मतलब c का वैल्यू 15 आ गया. तो ये क्या रिटर्न किया? 15 रिटर्न किया. किसको? जो इसको कॉल किया है. तो ये एड एग्जीक्यूट हुआ और इसका वैल्यू जो आया, जो ये रिटर्न किया वो रिजल्ट में आ गया, दैट मीन्स 15. और उसको हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं, दैट मीन्स 15. यहां पर वो 15 प्रिंट करेगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर पासिंग पैरामीटर्स एंड हाउ एग्जीक्यूट, हाउ कॉलिंग द फंक्शन एंड एग्जीक्यूट द एंटायर थिंग. अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर किसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे और किसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे. सो द पैरामीटर यूज इन दिस सेक्शन, द मेन सेक्शन. इस सेक्शन में अगर हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं, दैट मींस वी आर कॉलिंग इट एज एक्चुअल पैरामीटर. सो दीज पैरामीटर्स आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर. एक्चुअल पैरामीटर. और ये पैरामीटर कहां मैप हो रहा है? एक्स में. ए का वैल्यू मैप हो रहा है एक्स में, बी का वैल्यू मैप हो रहा है वाई में.
सो यहां पर जो पैरामीटर जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड, उस टाइम जो पैरामीटर हम लोगों ने रखा था वो हो गया हमारा फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। और ये पैरामीटर जो मेन सेक्शन में है वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर हो गया। तो यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल पैरामीटर हमारा हो गया ए कॉमा बी, ठीक है, और हमारा फॉर्मल पैरामीटर हमारा हो गया एक्स और वाई। अंडरस्टूड, समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इन ऑनलाइन सेशन। थैंक यू।